नमस्कार दोस्तों, टाइपिंग टिप्स के ऊपर आपको 5 वीडियो पहले ही दी जा चुकी हैं और उसमें ही उसी सीरीज़ की आपको ये 6ठी वीडियो है। तो दोस्तों, आज की टाइपिंग टिप ये है कि कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हमारी जो स्पीड है वो एक जगह पर स्टक हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी की 30 है, 30 से ऊपर ही नहीं बढ़ रही, किसी की 35 पर रुकी हुई है, किसी की 40 पर रुकी हुई है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए जिससे कि जो है आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाए, मतलब 5 बढ़ जाए, 6 बढ़ जाए, 10 बढ़ जाए, ये किस तरीके से बढ़ सकती है। तो दोस्तों, आपको करना ये है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप टाइपिंग मास्टर का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसे आप कंप्यूटर पर इंस्टॉल करें। काफ़ी लोगों के कंप्यूटर में पहले से होगा। उसके अंदर होता क्या है कि हम डायरेक्ट उसमें टेस्ट पे जंप कर जाते हैं, टाइपिंग टेस्ट देना शुरू कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़े तो जो उसके अंदर बेसिक लेसन दे रखे हैं ना टाइपिंग मास्टर के अंदर, ASDFJKL वाले, ये जो बेसिक होते हैं, कीज़ होती हैं, लेसन हैं, उनका रिवीजन आप करें कम से कम 2 बार। ठीक है, वो 5 घंटे का कोर्स होता है लगभग, पूरा देखा जाए तो A से लेकर Z तक। अगर आप वो दोबारा से कर लेते हैं तो 2 बार कम से कम, तो आपकी स्पीड में आप यकीन मानिए कम से कम 3 से 4 वर्ड पर मिनट का जो है बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो आप ये वाली ट्रिक आजमाइए, मैंने भी कई बार आजमाई है। अगर मैं बेसिक उसका कर लेता हूँ तो मतलब स्पीड बढ़ती है उससे। ठीक है, तो यही आपको करना है कि उसके जो बेसिक चैप्टर हैं उसे अच्छे से करें जिससे कि जो है आपकी स्पीड में बढ़ावा हो पाए। ठीक है दोस्तों, ये टिप आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।